नशीले पदार्थ की बिक्री करने वालों के खिलाफ चलाई गई विशेष मुहिम अंतर्गत स्थानीय अपराध शाखा चंद्रपुर की कार्रवाई में 3 आरोपियों को हिरासत में लेकर उनकी ओर से करीब 16,49,130 रुपए का माल जब्त किया गया। चंद्रपुर जिले में नशीले पदार्थ बिक्री करने और रखने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने के पुलिस अधीक्षक ने स्थानीय अपराध शाखा को आदेशित किया था। उस मुताबिक पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में पुलिस निरीक्षक महेश कुंडावार स्थानीय अपराध शाखा इन्हें एक विशेष पथक तैयार कर कार्रवाई करने की सूचना दी। 1 सितंबर को गुप्त जानकारी मिली कि बल्लाशाह बाईपास रोड चंद्रपुर में एक सफेद रंग की स्कॉर्पियो में संदेहास्पद व्यक्ति नशीले पदार्थ लाकर वह बिक्री करने के लिए ग्राहक की तलाश कर रहे हैं। इस जानकारी के आधार पर संदेहास्पद वाहन बजाज विद्या निकेतन स्कूल के सामने दिखाई दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर वाहन चालक और उसके साथी से पूछताछ की। पंचों के साथ वाहन की तलाशी ली गई, तब उसमें एक नीले रंग के प्लास्टिक पन्नी में अंदाजन 52,130 रुपए का गांजा नशीला पदार्थ पाया गया। आरोपी से पूछताछ दौरान गांजा और नशीले पदार्थ के साथ ही गुने में इस्तेमाल किया गया वाहन जिसकी कीमत अंदाजन 15 लाख रुपए, आरोपी के 3 मोबाइल जिसकी कीमत अंदाजन 97,000 रुपए, ऐसा कुल 16,49,130 रुपए का मुद्देमाल जब्त किया। आगे की जाँच रामनगर पुलिस कर रही है। उक्त कार्रवाई जिला पुलिस अधीक्षक रविंद्र सिंह परदेसी, अपर पुलिस अधीक्षक रीना जनबंधु, उप विभागीय पुलिस अधिकारी सुधीर नंदनवार, इनके मार्गदर्शन में पुलिस निरीक्षक महेश कोंडावार, स्थानीय अपराध शाखा, पुलिस उप निरीक्षक अतुल कावड़े, पुलिस हवालदार शकील शेख, नायब पुलिस कांस्टेबल अनूप डांगे, मिलिंद चौहान, नितेश महात्मे, जमीन पठान, पुलिस कांस्टेबल प्रमोद कोटना के प्रसाद धुड़गंडे, चालक पुलिस कांस्टेबल ऋषभ बारसिंगे इनके पथक ने की।